Hello everyone, today I am going to tell you about NDA exam. This exam is only for male candidates, so if you are interested, please continue watching the video. I will be telling you about application form, exam date, eligibility, syllabus of UPSC NDA. UPSC is Union Public Service Commission will conduct the NDA 2019 examination. It is a national level entrance test. It is conducted to recruit candidates in the Army, Navy and Air Force. Okay, or this exam is conducted two times a year, NDA 1 bhi hota hai and NDA 2 bhi hota hai. So it is a two-tier examination. Two-tier means two-level examination. इसके दो लेवल होते हैं. सबसे पहले देयर इज़ अ रिटन टेस्ट एंड आफ्टर द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट्स विल ऑल्सो हैव टू क्लियर द SSB इंटरव्यू राउंड. ओके, सो लेट अस गो इन टू द डीपर डिटेल्स ऑफ दिस NDA एग्जाम. दिस इज़ द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द NDA एग्जाम्स. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ टेंटेटिव डेट्स. मतलब कि पिछले साल को देख करके उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि 2019 में इस टाइम पर हो सकता है एग्ज़ाम. लाइक थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2019 पे नोटिफिकेशंस रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे NDA 1 के, एंड NDA 2 होता है जून में. तो ये सारी डेट्स को आप गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. अब मैं आगे बढ़ती हूँ किस पे, NDA एप्लीकेशन फॉर्म पे. बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक द गाइडलाइंस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. Here we have mentioned some major details about NDA registration 2019. Online mode पे ही होगा, third week of January, and it comprises of two parts. In part 1 you have to fill the general details, and in part 2 you have to pay the examination fee, upload the scanned images of photograph and signature. The images should be in JPG format with photograph 3KB to 40KB and signature 1KB. 240KB साइज़. और ये आपको ऑनलाइन इमेज साइजेस मिल जाएंगे. जब मुझे फॉर्म भरना था तो आई डिड द सेम थिंग. तो यू कैन ऑल्सो गो टू द ऑनलाइन इमेज साइजेस साइट एंड यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ द इमेज आर रिटन हियर. तो आपको इस इमेज साइज़ पे ज़रूर ध्यान देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3KB टू 40KB एंड 1KB टू 40KB साइज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. No correction facility will be provided after the final submission of UPSC NDA application form. This is a very very important point. No correction. What is this written? There will be no correction. Please आप इसको ध्यान से देखिए. तो आपको form filling application बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से करना है आपको, ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो. और दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देर इज़ नो नीड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द UPSC. आपको प्रिंट आउट निकालना है, अपने पास रखना है. आपको कोई UPSC दोबारा नहीं भेज देना, क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड है. आपको बस अपने पास रखना है रेफरेंस के लिए. ओके, लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशन फ़ी. कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू देयर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और यू कैन पे बाई SBI नेट बैंकिंग. Fee payment can also be done through Chalan of SBI Bank. The application fee will be ₹100. और SC और ST candidates के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए बिल्कुल they are exempted from the payment of the application fee. और JCOs, NCOs and ORS ये सब भी exempted होंगे. OBC candidates के लिए कोई exemption नहीं है, उन्हें भी general की तरह ₹100 pay करने होंगे. आगे बढ़ते हैं. NDA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो. पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है ये. दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स. कैंडिडेट सीकिंग फॉर अप्लाइंग NDA एग्ज़ाम शुड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फर्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनैलिटी. अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान. Tibetan refugee who come over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India. Wo, or person of Indian origin who has migrated from Burma, Pakistan, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi,
Zaire and Ethiopia or Vietnam with intention of permanently settling in India. Okay, but आपको ये ध्यान रखना है कि it should be a person of Indian origin only. और ये सारी countries के नाम आपको ढंग से ध्यान रखने हैं. अगर आप इस सबको belong करते हो तो आप आ सकते हैं. Let us talk about age limit. For NDA 1, candidates must have born between 2nd July 2000 to 1st July 2003. For NDA 2, candidates should have born between 2nd January 2001 to 1st July 2004. तो आपको अपना date of birth check करना है, उसके हिसाब से आपको NDA 1 या NDA 2 पे apply करना है. आपको ऐसी अंधाधुन apply नहीं करना है, इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. Gender and marital status, unmarried male candidates. बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इधर सिर्फ अनमैरिड लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेल. आपको इसको बॉक्स में रखना है, ठीक है. कैंडिडेट्स मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे फिनिश देयर कंप्लीट ट्रेनिंग. ओके. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर आर्मी विंग ऑफ एनडीए, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड. For Air Force and Naval of NDA and 10+2 cadet entry scheme at Indian Naval Academy, इस वाली के लिए आपको क्या करना होगा, वही 10+2 exam होना चाहिए with physics and maths compulsory. Candidates appearing in qualifying exam are also eligible to apply. ठीक है, मतलब कि अगर वो 10+2 वाला exam देने जा रहे हैं, मतलब जिस year आपने board exam दिया है वो वाले candidates भी apply कर सकते हैं. फिजिकल स्टैंडर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्मी का एग्ज़ाम है तो फिजिकली फिट, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हुआ है, फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एज़ पर द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द ऑफिशियल्स. तो ये आपको ज़रूर एनडीए के साइट पे लिखा होगा कि व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, या फिर आपको वो लोग पीडीएफ देंगे अपनी साइट पे कि वहाँ पर उन लोगों ने स्टैंडर्ड्स मेंशन किए होंगे, उसके हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा. अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में फिट हैं तो यू विल बी गिवन एंट्री और एल्स यू विल नॉट बी अलाउड देयर. ओके. कैंडिडेट हु हैज़ रिजाइंड और विदड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफ आर्म फोर्सेज विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, तो किसी ने रिज़ाइन करा हुआ है या विदड्रॉ किया हुआ है एनी ट्रेनिंग से तो वो लोग नहीं कर सकते. NDA exam pattern 2019, this is very important. जब आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी MCQs ओनली. ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पैटर्न विल बी इन OMR पैटर्न. पेन एंड पेपर बेस्ड है, विल यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पेन. ठीक है, डू नॉट यूज़ एनी इंक पेन और पेंसिल. Duration would be 2.5 hours for each code. Code 1 will be mathematics and code 2 would be general ability test. आपको अच्छे से practice करके जाना, और books तो available होंगी. आपको books खरीदने की सबसे best जगह तो Amazon है या फिर Flipkart. Language, the medium of the exam will be set bilingually in English as well as in Hindi also. And there is a negative marking. तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर negative marking है. जैसे एम्स एग्ज़ाम में 0.33 मार्क्स कटते हैं, यहाँ पर भी 0.33 मार्क्स कटते हैं. तो आपको सारे का सारा आंसर मार्क नहीं करना है, जो आपको अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं ओनली दैट यू हैव टू मार्क. मैथ्स मैक्सिमम मार्क्स 300, GAT मींस जनरल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश भी आएगी और जनरल नॉलेज भी आएगी. जनरल नॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि करंट अफेयर्स, यहाँ जनरल नॉलेज में आपकी जनरल साइंस भी आती है, आपकी फिजिक्स भी आती है. तो आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बहुत स्ट्रांग होना होता है और साथ साथ जनरल साइंस भी अच्छे से आनी चाहिए और करंट अफेयर्स पे तो ध्यान देना ही है. ओके. और जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो इसके लिए आपको कोई न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में और भी ऊटपटांग खबरें आती रहती हैं. और बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आपको प्रिपेयर भी करना है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है 12th का, तो इससे अच्छा आप कोई जनरल नॉलेज की साइट पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको रोज़ डेली डेली अपडेट्स देते रहें, या फिर आप GK की बुक खरीद सकते हो, और करंट अफेयर्स के लिए ऐसी साइट को सब्सक्राइब कीजिए. ओके. नाउ SSB इंटरव्यू होता है 900 मार्क्स का, ग्रैंड टोटल होता है 1800. ओके. अभी इस इंटरव्यू के बारे में भी आगे बात करेंगे. NDA सिलेबस 2019,
मैथ्स इंग्लिश जनरल नॉलेज, मैथ्स तो आपकी 11 ट्वेल्थ की है, GATs जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने बता दिया, उस पर इंग्लिश भी आती है एंड इंग्लिश में आपको ग्रामर में बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश ग्रामर की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कि मैं बुक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन द बुक्स ऑल्सो। नेक्स्ट, इफ आई विल रिसीव मोर देन 10 कॉमेंट्स टू मेक द वीडियो देन डेफिनेटली आई विल मेक इट फॉर यू। जनरल नॉलेज एंड शेयर दिस वीडियो विद लॉट ऑफ पीपल, ओके। जनरल नॉलेज, दिस सेक्शन कंटेन्स टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एक्सेट्रा, तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी आती है। हाउ टू प्रिपेयर, आपको स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है, यू हैव टू गैदर ऑल द डिटेल्स अबाउट द ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके। यू हैव टू चूज द राइट स्टडी मटीरियल लाइक रेफरेंस बुक टू प्रिपेयर फॉर NDA एग्जाम। मैं वही कह रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बुक्स के लिए बनाऊँ वीडियो तो डेफिनेटली प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे देन डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू ओनली, सो प्लीज़ टेल मी। फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इट विल हेल्प यू टू नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न, ओके। मेक शॉर्ट नोट्स वाइल स्टडिंग एंड रिवाइज देम एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो हर एग्जाम के लिए हमें करना ही होता है। मेक योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, डोंट टेक स्ट्रेस फॉर प्रिपरेशंस, ओके। अब हम ये तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से आपके लिए इसके लिए वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन अबाउट दिस ऑल्सो कि आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस FAQs ऑल्सो, देर आर मोस्ट आस्क क्वेश्चन अबाउट NDA। अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी तो द वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग FAQs इन दिस वीडियो, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन टेल मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब हम बात करते हैं NDA के एडमिट कार्ड की। द एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड बिफोर 1 or 2 weeks फ्रॉम द एग्जामिनेशन। NDA हॉल टिकट विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर NDA 1 एंड इन अगस्त फॉर NDA 2, ऑनलाइन मोड में ही होगा। एंड इन ऑर्डर टू डाउनलोड दिस UPSC NDA एडमिट कार्ड, कैंडिडेट्स मस्ट कीप सेव देयर एप्लीकेशन डिटेल्स। If any errors or discrepancy found in admit card, contact to the UPSC official immediately. ये बहुत important है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो immediately नहीं जाते, वो बाद में जाते हैं, तब वो officials भी कुछ नहीं कर पाते। जिस दिन admit card आया कोई भी discrepancy आप उसी दिन contact कीजिए। Answer key भी online mode पे ही होगी within a week of examination. The answer key will not be published officially. It will be released by various coaching institutions. Through answer key, candidates will be able to calculate their rough marks. Okay, official answer key ये लोग release नहीं करते हैं। NDA result 2019, the result of NDA written exam will be checked through the online mode. तो below we are providing the details about the result. UPSC NDA result will be announced within a month after the completion of examination. PDF form में होगा and it will contain the roll numbers of the qualified candidates only. जो क्वालिफाई हुए हैं उनका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, अगर आपका नहीं आया है तो नहीं आएगा नेम, मतलब आपको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, बस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी डिस्प्लेड। एम्स एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, मार्क्स नहीं बताए जाते, बस परसेंटाइल बताई जाती है और नेम लिखा होता है। कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट हैव टू अपीयर फॉर SSB इंटरव्यू राउंड, ओके। SSB इंटरव्यू राउंड में आपको होना होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। NDA 2019 कट ऑफ क्या है, कट ऑफ डिफरेंट राउंड के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी एंड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चेक द कट ऑफ विद इन अ वीक आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। द प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर रिटन स्टेज इज 342, द फाइनल कट ऑफ फॉर फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट इज 708।
वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फाइनल इंटरव्यू के बाद होता है ना, रिटर्न स्टेज के लिए सिर्फ 342 है। अब इंटरव्यू के बाद तो पूरा 1800 का हो जाता है, तो उसमें से 708 आर द कट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। द कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर द क्वालिफाइंग रिटर्न टेस्ट हैव टू गो थ्रू SSB इंटरव्यू राउंड। द NDA SSB इंटरव्यू विल कंप्राइज ऑफ टू स्टेजेस, स्टेज वन एंड स्टेज टू। स्टेज वन में क्या होता है, दे हैव टू क्लियर द OIR, OIR मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड PP&DT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर स्टेज टू ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन दीज टेस्ट ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद आपके साइकोलॉजी टेस्ट होंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क दिए जाएंगे, इंटरव्यू होगा इन द सेकेंड स्टेज। तो ये इंटरव्यू थोड़ा लंबा होता है और ये 4 to 5 days के लिए चलता रहता है। ठीक है, जब आप रिकमेंड होंगे कि SSB में आप पास हो गए, देन देयर विल बी द मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड, जिसमें वो सारे क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे जो मैंने अभी ऊपर बताए थे कि फिजिकली फिट होने के लिए वो हैं। ठीक है, इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Please guys, do subscribe my channel. If you like my video, give it a lots of thumbs up. Please support me, then only I will be able to help you. और जो भी आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, do let me know in the comment section below. Please like my video, please subscribe it because it is free. Okay, bye bye guys, take care, all the best for the exams.